For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. भोजपुरी स्टार्स के बीच सलमान खान की फैन फॉलोइंग काफी स्ट्रॉन्ग है और एक बार फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट निराहुआ ने अपनी को-स्टार आम्रपाली दुबे के बारे में एक शॉकिंग सीक्रेट शेयर किया। उन्होंने कहा कि आम्रपाली बचपन से ही सलमान खान की बड़ी फैन रही हैं और उनका सपना था कि वो कम से कम एक बार तो सलमान से मिल सके। निराहुआ ने हंसते हुए ये भी बताया कि एक बार जब आम्रपाली को ये मौका मिला तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि सलमान से मिलने से पहले ही बेहोश हो गई। हालांकि आम्रपाली बिग बॉस 12 का हिस्सा नहीं है, मगर अगर उसे घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा तो वो सलमान खान से शादी करने के बाद ही बाहर निकलेंगी। ओह माय गॉड, अब ये तो काफी हिलेरियस और इंटरेस्टिंग रेवलेशन लगता है ना? दस कदम 3 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड इस वीकेंड एयर होने वाला है और सभी इस शो में सलमान खान और शाहरुख खान की बॉन्डिंग देखने के लिए बेताब हैं। ये एपिसोड एक डबल धमाका होगा जब रानी मुखर्जी और एस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी इस शो का हिस्सा होंगे। ये चारों मिलकर इस शो को और भी धमाकेदार बना देंगे। हमेशा की रेगुलर छेड़छाड़ और मस्ती के अलावा एक पल ऐसा था जब सलमान ने शाहरुख से पूछा कितने प्रतिशत भारतीयों के पास ऐसे दोस्त हैं जो हर सुख दुख में उनके साथ रहें। तब शाहरुख ने जवाब में कहा कि मुझे यकीन है कि सलमान मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा होंगे। इस प्रोमो में कुछ ऐसे टचिंग पल भी थे जहां दोनों खान एक दूसरे की मदद कर रहे थे और रानी ने भी इस शो पर काफी इमोशनल मोमेंट्स शेयर किए थे। अब इस अमेजिंग प्रोमो को देखने के बाद हम इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए काफी बेताब हैं। और आप? सलमान खान की फिल्म भारत की स्टोरी लाइन वाकई में काफी खास और यूनिक है। ये पहली बार नहीं है कि सलमान खान किसी मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं, मगर इस बार हर आर्टिस्ट को बहुत कंसिडरेशन के बाद चुना गया है और हर आर्टिस्ट का रेम्यूनरेशन काफी हाई है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के स्टार कास्ट अपने रोल के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं। दिशा इस फिल्म में एक ट्रपीज आर्टिस्ट का रोल अदा कर रही हैं और उन्हें इसके लिए 2 से 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। और फिर जैकी श्रॉफ और तब्बू हैं जो फिल्म में सलमान खान के पिता और बहन के रूप में नजर आएंगे। जग्गू दादा को इस रोल के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, वहीं तब्बू को अपने रोल के लिए 1.5 से 2 करोड़ मिलने वाले हैं। आइटम गर्ल नौरा फतेही भी इस फिल्म में एक छोटे रोल में नजर आने वाली है जिसके लिए उन्हें 70 से 80 लाख मिलेंगे। टेलीविजन एक्टर आसिफ शेख और एस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर जो सलमान के दोस्त का रोल अदा करेंगे अपने अपने रोल में करीब 65 से 75 लाख कमा लेंगे। वहीं लीडिंग लेडी कटरीना कैफ की बात करें तो उन्हें अपने रोल के लिए 12 से 13 करोड़ मिलेंगे। फाइनली सलमान की बात करते हैं जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। सलमान अपने रोल के लिए 60 से 70 करोड़ डिमांड कर रहे हैं और इसके अलावा प्रॉफिट्स में भी उनका शेयर होगा। अब इतनी भारी इन्वेस्टमेंट के बाद हमें उम्मीद है कि भारत अपने कॉस्ट को ओपनिंग वीक में ही रिकवर कर सके। अब होगी ना ये एक मजेदार अचीवमेंट, हमें जरूर बताएं। एजाज खान बिग बॉस शो के सबसे एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स में से एक रहे हैं और बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद ही उनके बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। एजाज को फिल्म लकीर का फकीर में अपने मीन और लीथल लुक्स के लिए काफी सराहा गया और अब सालों बाद वो एक बार फिर इस फिल्म के सीक्वल के साथ लौटे हैं। पहली फिल्म की ही तरह लकीर का फकीर 2 को भी जुबैर खान ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ, वही जुबैर खान जिनके दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया गया था। और अब बिग बॉस 12 के शुरू होने के कुछ ही दिन पहले मेकर्स ने अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक अनवील किया जहां एजाज खान अपने इंटेंस लुक से काफी स्टनिंग और वाइल्ड लग रहे हैं। तो अब लकीर का फकीर 2 के फर्स्ट लुक के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।
प्रियंका चोपड़ा ने जिस तरह ऐन वक्त पर सलमान खान की फिल्म भारत से किनारा कर दिया वो काफी शॉकिंग था। और हालांकि कटरीना कैफ ने उनकी जगह ले तो ली है, पर फिर भी पीसी के इस मूव को कोई भूल नहीं पाया है। अब तक तो सलमान ने इस इशू के बारे में कोई बात नहीं की थी, मगर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया कि प्रियंका चोपड़ा ने उनकी बहन अर्पिता खान को 1000 बार कॉल किया था और उनका नाम भारत में रेकमेंड करने को कहा था। वेल, बात यहीं खत्म नहीं हुई। पीसी ने फिल्म मेकर अली अब्बास जफर को भी कॉल करके भारत का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट जताया। अब इतने इनिशिएटिव के बाद ना जाने पीसी इतनी आसानी से कैसे पीछे हट गए। सलमान ने आगे ये भी कहा कि अगर उन्हें शादी करनी थी तो भी फिल्म क्विट करने की कोई वजह नहीं थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शायद वो सलमान के साथ काम नहीं करना चाहती, या फिर उन्हें अब बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ हॉलीवुड पर फोकस करना चाहती है। पर वजह जो भी हो, सलमान के इस शॉकिंग रेवलेशन के बारे में हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे, तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जब भी 10 कदम 3 के मेकर्स कोई नया प्रोमो अनवील करते हैं, हमें शो के अपकमिंग ग्रैंड फिनाले एपिसोड की याद आ जाती है, जो काफी अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले तो इसके गेस्ट लिस्ट के कारण, जिसमें किंग खान शाहरुख, ब्यूटी क्वीन रानी मुखर्जी और एस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर शामिल हैं, और फिर इन सब के अमेजिंग एंटिक्स के कारण। पर इन सभी एंटरटेनिंग मोमेंट्स के बीच शाहरुख ने सलमान से कहा कि उनका सबसे छोटा बेटा अबराम बिल्कुल उन्हीं की तरह है। जब भी वो किसी लड़की से मिलता है तो वो कहता है आई लव यू, और ऐसा कहने से वो बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। ये सुनते ही रानी मुखर्जी ने कहा कि सलमान, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी एक खूबसूरत बेटी हो और हम उसकी शादी शाहरुख के बेटे अबराम से करवा देंगे। ये सुनते ही ऑडियंस तालियां बजाने लगी और किंग खान ने बाजी पलटते हुए रानी से कहा कि तुम्हें शो पर बुलाना ही नहीं चाहिए था, तुम यहाँ लोगों की शादी करवा रही हो, तुम्हारा नाम रानी मुखर्जी नहीं शादी मुखर्जी होना चाहिए। ऑल इन ऑल इन तीनों ने मिलकर सभी को इतना हंसाया कि हम अब इस शो पर हो रहे फन और एंटरटेनमेंट को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। और आप? कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में मेकर्स ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिसे सुनकर सभी खुश हो जाएंगे। बिग बॉस के वीकडेज एपिसोड हमेशा 10:30 बजे के स्लॉट में एयर होते थे, मगर इस बार इस विचित्र जोड़ी वाले सीजन को प्राइम टाइम यानी कि 9 बजे एयर किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं, तो आप भी इस ट्वीट पर नजर डालिए जो खुद कलर्स के CEO राज नायक ने शेयर की थी। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, दिस सीजन ऑफ बिगेस्ट रियलिटी शो ऑन इंडियन टेलीविजन बिग बॉस 12 टू बी टेलीकास्ट एट 9 PM ऑन ऑल डेज एट कलर्स TV। अब ये तो सभी के लिए एक वेलकम मूव होगा, क्योंकि हमें रात को घर लौटने के बाद अब इस शो के अगले एपिसोड का इंतजार कम करना पड़ेगा। तो क्या अब इस चेंज ऑफ स्लॉट से शो के TRPs को फायदा होगा? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। काफी समय से ये खबर चर्चा में है कि संजय लीला भंसाली और सलमान खान एक ग्रैंड मैग्नम ओपस के लिए रीयूनाइट होंगे, और अब खबर आई है कि इस फिल्म का टाइटल होगा इंशाल्लाह। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार ये कंफर्म हुआ है कि संजय के प्रोडक्शन हाउस ने इंशाल्लाह टाइटल रजिस्टर कर लिया है। संजय अपनी फिल्म्स को लेकर कितने परफेक्ट होते हैं ये तो सभी जानते हैं। ऐसे में वो स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू हो सकती है
जब सलमान अपनी फिल्म्स भारत और दबंग 3 को रैप अप कर चुके होंगे। हमें ये भी पता चला कि SLV ने अपनी पद्मावत स्टार दीपिका पादुकोण को इस फिल्म की लीडिंग लेडी का रोल ऑफर किया है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान ने खुद इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि मैं खुद 11 सालों के बाद अपने हम दिल दे चुके सनम डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, मगर अब तक संजय ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं सुनाई है। फिर भी अगर सब सही रहा तो अभी से ही सलमान की ईद 2020 रिलीज लाइंड अप हो सकती है। तो है ना ये मजेदार खबर? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।